वर्ल्ड कप का पांचवा मुकाबला जो कि खेला जाएगा इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बीच चेपॉक के चिदंबरम स्टेडियम यानी चेन्नई में खेला जाएगा। आपको पता दोस्तों यहां जो है भारत का बहुत ज्यादा खराब रिकॉर्ड है किसके खिलाफ, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। लगभग 3 मुकाबले जो है वर्ल्ड कप में भारत जो है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलिए इस ग्राउंड में, और लगभग 2 मुकाबले जो है वो क्या बोलते हैं ऑस्ट्रेलिया जीता, और मात्र 1 मुकाबला जो है वो भारत जीता है इस ग्राउंड में। सोच सकते हैं कितना खराब रिकॉर्ड है दोस्तों इस ग्राउंड में किसका, इंडिया का। आपको बता दें दोस्तों कि पहला मुकाबला जो हुआ था वो पहला मुकाबला जो है 1987 में जिसमें ऑस्ट्रेलिया जीती थी, वही 17 सितंबर 2017 को जो इंडिया जीती थी 26 रन जीता था, वहीं दोस्तों तीसरा मुकाबला में भी 2003 में हुआ था, तो उसमें जो है ऑस्ट्रेलिया जीती थी 21 रन से। तो यहाँ चेपॉक में भारत का बहुत खराब रिकॉर्ड है। ओवरऑल ऐसे वर्ल्ड कप में बात की जाए कि किसका पल्ला भारी है, तो दोस्तों वो हेड टू हेड में बात कर लेंगे। फिलहाल दोस्तों इंडिया वर्सेज ऑस्ट्रेलिया का वनडे सीरीज ऑलरेडी इधर वर्ल्ड कप से पहले समाप्त हुआ है, और उसमें दोस्तों इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को 2-1 से हरा दिया, जिसमें दोस्तों केएल राहुल ने कप्तानी करकर सबसे शानदार कप्तानी भी की और वो सीरीज को जीता भी बिना रोहित, बिना कोहली के और बिना कुलदीप के, और बेहतरीन तरीके से उस मुकाबले को जीता। उस वनडे सीरीज में दोस्तों कुछ मैं आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बता देता हूं। दोस्तों उस सीरीज में जो है मैन ऑफ द मैच सीरीज कौन रहा है, मैन ऑफ द सीरीज कौन रहा है शुभमन गिल, जिसने पहले वनडे में दोस्तों 74 रन की शानदार पारी खेली, और दूसरे वनडे में दोस्तों सेंचुरी चल गया, तीसरे वनडे में दोस्तों इनको रेस्ट दे दिया गया था। तो शुभमन गिल ने बहुत ज्यादा बेहतरीन प्रदर्शन किया, इसके साथ साथ दोस्तों राहुल ने भी बेहतरीन प्रदर्शन किया, 58 रन की पारी पहले वनडे में खेली, फिर दूसरे वनडे में दोस्तों 52 रन की पारी खेली, और तीसरे वनडे में कुछ खास किया नहीं। वहीं दोस्तों श्रेयस अय्यर ने भी काफी ज्यादा बेहतरीन बल्लेबाजी करके दिखाया, 90 गेंदों में 105 रन की पारी खेली श्रेयस अय्यर ने। वहीं दोस्तों सूर्य कुमार यादव ने भी दूसरे वनडे में काफी ज्यादा बेहतरीन बल्लेबाजी करके दिखाया, लगभग 72 रन की पारी उसने भी खेली, तो उनका भी चांस बन सकते हैं कि वो प्ले ग्राउंड का हिस्सा हो। वहीं दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की तरफ से वार्नर ने 2 हाफ सेंचुरी जड़ा, स्मिथ अच्छा परफॉर्मेंस किया, मानस लबुसेंगे ने अच्छा परफॉर्मेंस किया, मैक्सवेल ने लास्ट वनडे में अच्छा बॉलिंग करके ऑस्ट्रेलिया को लास्ट वनडे जिताया। तो सोच सकते हैं थोड़ा सा टक्कर का कोई मुकाबला देखने को मिल सकता है, क्योंकि अगर भारत पहले बल्लेबाजी कर लेता है तो भारत आसानी से जीत जाता है, अगर भारत पहले चेस करता है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तो बहुत कम जीता है, इसमें बहुत खराब रिकॉर्ड है भारत का। लगभग जानते हैं आपको दोस्तों चेस करते हुए भारत का बहुत ज्यादा खराब रिकॉर्ड है किसके खिलाफ, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। और 2011 में ही मात्र 2011 में ही जो वर्ल्ड कप इंडिया में खेला जा रहा था उसी में दोस्तों ऑस्ट्रेलिया हारी थी, जब भारत चेस करके जो है हराया था ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेट से। तो मात्र वही यानी लगभग 12 मुकाबले जो अभी तक वनडे फॉर्मेट हो चुके इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बीच भारत में जो है 12 मुकाबले जो अभी तक हो चुके हैं इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बीच, जिसमें दोस्तों ऑस्ट्रेलिया जो 8 बार जीता है, 4 बार दोस्तों इंडिया जीता, अब वो 4 में से 3 बार दोस्तों भारत जो है पहले बल्लेबाजी करते हुए जीता, और 1 बार मात्र चेस करते हुए जीता 2011 में, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो सोच सकते हैं कि कितना खराब रिकॉर्ड है चेस करते हुए भारत का। और लास्ट जो वनडे सीरीज हुआ उसमें भारत दोस्तों दोनों बार पहले बल्लेबाजी करते हुए जीता है, तो सोच सकते हैं कितना खराब रिकॉर्ड है। लास्ट मुकाबला चेस कर रहा था भारत, बार दोस्तों जीत नहीं पाया था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, तो सोच सकते हैं भारत अगर टॉस जीता तो पहले बल्लेबाजी करने का ही सोचेगा इस राउंड में। तो ये खराब रिकॉर्ड है दोस्तों इंडिया का ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, सोच सकते हैं। तो बट हम लोग बात कर रहे थे पिच रिपोर्ट की, कि पिच रिपोर्ट कैसी है यहाँ की। तो दोस्तों यह मुकाबला कहाँ खेला जाए, चेपॉक के चेन्नई सुपर किंग के होम टाउन यानी चेपॉक के स्टेडियम। यहाँ की पिचेस दोस्तों नॉर्मली स्लो होती है, और यहाँ स्पिनर को बहुत ज्यादा मदद मिलती है, तो जाहिर सी बात है कि दोनों टीमें जो है स्पिनर ज्यादा लेकर खेलेगी। तो लाइक भारत के पास जो है बड़ के नंबर 1 स्पिनर्स हैं कुलदीप यादव, रविंद्र अश्विन, रविंद्र जडेजा, और अश्विन का दोस्तों ये होम टाउन ही है, तो जाहिर सी बात है वो बेहतरीन प्रदर्शन करेंगे। इसके साथ साथ दोस्तों जड्डू का भी लगभग ये होम टाउन है, क्योंकि दोस्तों आईपीएल में ये जो है चेन्नई सुपर किंग की तरफ से बेहतरीन प्रदर्शन करते हैं इस ग्राउंड में। इसके साथ साथ दोस्तों कुलदीप यादव तो अलग ही धमाल मचा रहे हैं, तो तीनों स्पिनर दोस्तों भारत की तरफ से बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके साथ दोस्तों अश्विन को जो है वनडे में वापसी हुई थी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, जिसमें दोस्तों उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के नाक में दम कर दिया था, वार्नर को आउट किया, इसके साथ साथ स्टीवन स्मिथ को भी आउट किया, तो अश्विन भी बेहतरीन प्रदर्शन करके आरकेसी के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, तो काफी ज्यादा परेशान। बट दोस्तों भारत के जो है
भाई दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के स्पिनरों की बात की जाए तो मैक्स बेल, एस्टन एगर, एडम जंपा, तो मैक्स बेल भी बॉलिंग करते हुए दिखाई देंगे, मानस लबुसेंगिस भी बॉलिंग कराया जा सकता है। तो ये तो बात होगी पिच रिपोर्ट की, अब हेड टू हेड मुकाबलों की बात की जाए कि किसका पल्ला भारी है। तो अभी तक दोस्तों वनडे यानी भारत में जो है ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच लगभग 12 वनडे हो चुके, जिसमें 8 मुकाबले ऑस्ट्रेलिया जीता, 4 मुकाबले जो है वो इंडिया जीता, तो पल्ला जो है ऑस्ट्रेलिया का ही भारी है। वहीं दोस्तों चेपॉक के स्टेडियम में बात की है, उसमें भी 3 वनडे वर्ल्ड कप में 3 मुकाबले हो चुके हैं, जिसमें कि 2 मुकाबला जो है वो ऑस्ट्रेलिया जीता और एक मुकाबला जो है वो कौन जीता है, इंडिया जीता है। तो इसमें भी पल्ला किसका भारी, ऑस्ट्रेलिया का ही भारी है, तो देखते क्या होता है। सो अब बात करें दोस्तों प्लेइंग 11 क्या रहने वाली दोनों टीमों की, तो फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों टीम इंडिया प्लेइंग 11 की बात की जाए तो भारत के लिए सबसे दुखद बात यह है कि भारत के साथ ओपनिंग करेगा कौन, उसके बारे में प्लेइंग 11 में डिस्कस कर चुका हूं। तो सुमन गिल दोस्तों वो जो है हो सकता है कुछ मैच नहीं खेले क्योंकि उनको डेंगू हो गया है और वो जो है वर्ल्ड कप से तो बाहर नहीं हुआ, बट फिर भी दोस्तों उनको जो है 2-3 मैच नहीं खेला जाएगा, वो भी रेस्ट अभी करते हुए दिखाई देंगे। तो उनकी जगह पे दोस्तों आपको हो सकता है कि ईशान किशन ओपनिंग करते हुए दिखाई दे, तो रोहित शर्मा और ईशान किशन ओपनिंग करेंगे। 1 रन आपको दिखेंगे विराट कोहली, फिर 4 नंबर पर आपको दिखेंगे केएल राहुल, फिर उसके बाद 5 नंबर पर आपको श्रेयस अय्यर, सूर्य कुमार यादव में कोई एक खेलता हुआ आपको दिखाई देगा, फिर उसके बाद 6 नंबर पर आपको हार्दिक पांड्या दिखेंगे, फिर उसके बाद रविंद्र जडेजा दिखेंगे, फिर रविचंद्र अश्विन दिखेंगे, फिर कुलदीप यादव दिखेंगे, फिर सिराज दिखेंगे, सिराज या शमी में किसी को खिलाया जाएगा, ज्यादा चांस है दोस्तों सिराज को ही खिलाया जाएगा, फिर बुमराह होंगे। तो ये तो प्लेइंग 11 हो गई भारत की। अब ऑस्ट्रेलिया प्लेइंग 11 की बात की जाए तो बार्नर ओपनिंग करेंगे किसके साथ, मिचेल मार्श के साथ, 1 डाउन आपको स्टीवन स्मिथ दिखेंगे, फिर मानस लबुसेंगिस दिखेंगे, फिर एलेक्स कैरी दिखेंगे, फिर आपको ग्लेन मैक्सवेल दिखेंगे, फिर उसके बाद आपको कैमरून गिन या मार्कस स्टोनिस, दोनों में कोई एक खेलता हुआ आपको दिखाई देगा, ज्यादा चांस है दोस्तों कैमरून गिन खेलते हुए दिखाई दे, फिर उसके बाद पैट कमिंस होंगे, फिर उसके बाद मिचेल स्टार्क होंगे, फिर एडम सांपा होंगे, फिर जोस हेजलवुड। तो ये प्लेइंग 11 रहने वाला किसका, ऑस्ट्रेलिया का। सब बात कर लेते हैं मैच प्रेडिक्शन की, बात कर लेते हैं ये मुकाबला जीतेगा आपको, उससे पहले दोस्तों आपको मैं कुछ इंपॉर्टेंट प्लेयर बता देता हूँ जो कि इस मुकाबले में अच्छा कर सकते हैं। अगर अय्यर खेलते हैं दोस्तों तो अय्यर आपको अच्छा करते हुए दिखाई दे सकते हैं, बर्नर का अच्छा चांस है कि वो भी अच्छा करते हुए दिखाई दे सकते हैं क्योंकि ये इसने बनने में अच्छा परफॉर्मेंस किया किसके खिलाफ, और टीम इंडिया में अच्छा रिकॉर्ड भी रहता है, स्टीवन स्मिथ अच्छा करते हुए दिखाई दे सकते हैं, मार्नस लबुसेंगिस का भी चांस कि वो भी अच्छा करते हुए दिखाई दे सकते हैं, और एक कन्फर्म प्लेयर दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के लिए उनका फॉर्म तो कन्फर्म रहेगा, उसका नाम है दोस्तों मैक्सवेल, वो अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे ही करेंगे। इसके साथ साथ जांपा ने विराट कोहली को काफी ज्यादा परेशान किया, तो जांपा भी एक अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। फिर उसके बाद दोस्तों जहां तक भारत की बात की जाए तो इंडिया की तरफ से आपको विराट कोहली हो गए, रोहित शर्मा हो गए, ईशान किशन का भी नाम लूंगा, केएल राहुल का नाम लूंगा, अय्यर का नाम लूंगा, तो इतने सारे अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। बॉलिंग में अगर बात की जाए तो आई एम गोइंग विद अश्विन, जडेजा, कुलदीप, तीनों स्पिनर के साथ जाऊंगा जो कि वर्ल्ड के नंबर वन स्पिनर है। और बॉलिंग में बात की जाए तो आई एम गोइंग विद सिराज अच्छा कर सकते हैं। तो ये जो है इंपॉर्टेंट प्लेयर मैंने आपको बता दिया अगर आप ड्रीम 11 टीम में आ रहे हैं। वहीं दोस्तों मैच प्रेडिक्शन की बात की जाए, मुकाबला कौन जीत सकता है इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बीच, तो दोस्तों भारत जो है ऑलरेडी सीरीज जीत कर आ रहा है, सो आई एम गोइंग विद, मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया ये मैच जरूर जीतेगा, कन्फर्म मुझे ऐसा लगता है। दोस्तों सुमन गिल बड़ो इंजर्ड है वो अलग सी बात है, बट फिर भी दोस्तों भारत मुझे ऐसा लगता है ये जरूर मुकाबला जीतेगा भारत, तो देखते हैं क्या होता है इस मुकाबले में। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसका नाम फ्री कमी, तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।